देख सकते हैं ये सारे लोग आए हुए हैं कलकत्ता से। इसमें कुछ और करो, तो दोस्तों अभी अपन लोग पहुंच चुके हैं ग्राम सोनपुरी। तो देख सकते हैं ये जो बड़ा सा शिवलिंग दिख रहा है, इसका जो आकार है दोस्तों 22 फीट है और इस पे अभी काम चल रहा है। इधर भी शिवलिंग देख सकते हैं, ये किसके लिए भैया? ये 11 शिवलिंग है, ये 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा होगी एक साथ। अच्छा, जैसे हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है ना, द्वादश ज्योतिर्लिंग। हाँ। तो उसी का प्रतिरूप यहाँ बना के पूजा किया जाएगा 9 दिन तक, 12 ज्योतिर्लिंग। अच्छा, कौन सा तारीख से होगी पूजा? ये 9 फरवरी से 18 फरवरी, 9 से 18 फरवरी। और उसके साथ साथ ये 10 करोड़ जो शिवलिंग बने हुए उनका अभिषेक होगा। तो 10 करोड़ जो शिवलिंग है वो बन गए? हाँ, ये सब आके रखे हुए हैं, सब कलकत्ता से आए हैं सब। अच्छा, इतने बोरी में भरे ना, और जो है कलश यात्रा निकले, कलश यात्रा में शामिल होइए। शुरू ही दिन निकलेगा ना 9 को? कलश यात्रा 9 तारीख को सुबह। कहाँ से निकलेगा कलश यात्रा? अपना अभी तो योजना बना रहे हैं कि नगर भ्रमण कराएंगे करके, है ना। तो देखिए अब आगे आदेश क्या होता है गुरुजी लोगों का। अच्छा, तो वैसे ये बलौदा बाजार से कितने किलोमीटर की दूरी पे है ये गांव? बलौदा बाजार से 2 किलोमीटर, मात्र 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। अच्छा, इनका साइज क्या होगा, इनका आकार? ये 7 फीट के, 6-7 फीट के। देखो ये इस साइज का शिवलिंग है, ये चिकनी मिट्टी का है, कलकत्ता से बन के आया है। कलकत्ता में ये मिट्टी पाया जाता है, कलकत्ता से बन के आई है। जी जी, इसका साइज? साइज 1 इंच का है, ज्यादा से ज्यादा, ये देखिए 1 इंच है। अच्छा, 1 इंच से भी कम है। ये सब ये पूरे एरिया में ऐसे 10 फ्लोर शिवलिंग रखा जाएगा और उसका फिर अभिषेक होगा। अच्छा, कार्यक्रम को रुकते हैं ये तो। अच्छा, इसमें सब चीज बताया गया है, ये रसीद बुक है। और यहाँ पे होगा हवन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बन रहा है हवन कुंड। कहाँ से हो आप लोग? सोनपुरी। तो कितना ठोक बन रहा है भैया? ये 11 ठोक। अच्छा, टोटल। तो ये कब तक रेडी हो जाएगा भैया? 1 तारीख तक। इधर भी दोस्तों उसी की तैयारियां चल रही हैं, देख सकते हैं जेसीबी की मदद से। और ये लगभग 200 एकड़ में फैला हुआ है, 100 एकड़ लग जाएंगे बोल रहे हैं। इधर साइड दोस्तों बनाया जा रहा है पार्थिव शिवलिंग, चलिए अभी आप सभी को दिखाते हैं। ये देख सकते हैं पार्थिव शिवलिंग का जो साइज है वो 1 इंच है दोस्तों। भैया इसको सांचा की मदद से बना रहे हो? तो देख सकते हैं ये सारे लोग आए हुए हैं कलकत्ता से और यहाँ पे शिवलिंग निकालते हुए। मैं कुछ और करोगे अभी? हो गया, वो बन गया। हाँ? अच्छा, सांचा है बोल दो। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं ग्राम सोनपुरी में 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया जाना है। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, कार्यक्रम होगा 9 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक, 9 दिनों तक कार्यक्रम होगा, 24 घंटे कार्यक्रम रहेगा। और इसमें आप अधिक से अधिक मात्रा में उपस्थित होकर के
इसका आनंद ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। और कहा जाता है कि शिव महापुराण कथा के अनुसार अगर 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया जाता है तो संसार का कल्याण होता है, संसार में जितनी भी समस्याएं होती है उन सब का दुख दर्द का निवारण होता है। और ये विश्व में पहली बार ऐसी हो रही है कि 10 करोड़ शिवलिंग का एक साथ पार्थिव बना करके उनका अभिषेक किया जाएगा, तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है दोस्तों। तो ये हो रहा है बलौदा बाजार के सोनपुरी ग्राम में। इससे पहले जहां प्रदीप मिश्रा जी आए थे शिव महापुराण कथा सुनाने के लिए, वहां से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे है ये गांव, ग्राम कोकड़ी से 4 किलोमीटर की दूरी पे है और बलौदा बाजार से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। तो अधिक से अधिक संख्या में आप यहाँ पे पहुंचे और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, हर हर महादेव।